देखो भाई, दिन की शुरुआत कितनी शानदार हो रही है। हम मिल रहे हैं एक छोटी सी फैमिली से जो कि यार मेरे वीडियोस देखती है। हेलो, हाय। और सबसे एक्साइटेड रहता है ये छुटका। मेरा नाम राकेश है, मैं अहमदाबाद से हूँ। अहमदाबाद से हम अहमदाबाद के आने वाले हैं। हाँ। मेरा नाम सीरल है। ओके। हम साथ मेरा नाम लक्ष्य है। तो भाई, राकेश एंड फैमिली ने मुझे एक छोटा सा प्यारा सा कान्हा जी गिफ्ट किया है। ये देखिए कितना खूबसूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश भाई। थैंक यू। आप जब अहमदाबाद आओ तो भी, आप वापस जब आओ तो आप, मैं कॉन्टेक्ट करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। सी, दिस इज अमेजिंग यार, अमेजिंग। इतना प्यार मिलता है ना, दिल से खुशी होती है। लौंडा व्हाइट पहन के आया। व्हाइट जाते जाते काला हो जाएगा। तो भाई, आज का ये जो व्लॉग है स्पेशल, मैं रख रहा हूँ सिर्फ द्वारका भेंट के लिए। जी हाँ, हम जा रहे हैं द्वारका भेंट अपनी बाइक से। ऑटो हमने पता किया, वो कुछ ज़्यादा ही चार्ज कर रहे थे, 800 रुपए के आसपास थे ना सर। 800 रुपए 28 किलोमीटर के लिए। 28 किलोमीटर के लिए आना जाना है ना। हाँ, तो 800 रुपए हमें ज़्यादा लग रहे थे। हमारे पास बाइक्स हैं तो बाइक्स पर बैठ के हम निकल जाएंगे और आ भी जाएंगे आसानी से। चलते हैं द्वारका भेंट, लेकिन वहाँ की भी एक हिस्ट्री है। जब सुदामा जी आए थे और कृष्ण जी की भेंट हुई थी, तो उस वजह से इस जगह का नाम हुआ था द्वारका भेंट। और वहाँ पर चावल चढ़ाने की प्रथा है, क्योंकि सुदामा जी कृष्ण के लिए भेंट लाए थे और वो उनको देने में हिचकिचा रहे थे। तो कृष्ण जी ने झपट के दोस्त से भेंट ली और गले लगाया था, गले लगाया और वो उन्होंने चावल ग्रहण किए। जी हाँ, तो इसलिए वहाँ चावल चढ़ाए जाते हैं, चावल चढ़ाए जाते हैं और इस वजह से वहाँ का नाम है द्वारका भेंट। चलो बैठ तो गए, चलो कंफर्टेबल है यार, बस इधर उधर ज़्यादा मत हिलाना। तो भाई, हो गई है जर्नी द्वारका भेंट की शुरू। चलिए शुरू करते हैं। मैं चला शहर से दूर। आओ ठाकुर, आओ। उतरे क्या? उतरो, इधर से जाना है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? आपसे बात करके कोई बच्चे खबर न पड़ती। यहाँ से जाएंगे हम। अपनी जो जर्नी है द्वारका भेंट की, यहाँ से ओखा फोर्ट से। और जो टिकट है दादा, कितने की मिली? 20 रुपए की। 20 रुपए की टिकट है। भीड़ बहुत नहीं है, किश्ती के अंदर ही लेते हैं। बीस रुपए लेगा। कंफर्म है ये? 101%। कोई स्पेशल स्पेशल नहीं है। 5,000 रुपया दोगे तो आपको पूरी किश्ती लेके जाएगा। मन तो वही कर रहा था, तो चलो फिर चले। 5,000 रुपए का जर्नी। तो चलिए आपको दिखाते हैं द्वारका भेंट। और ये जो जर्नी होने वाली है, काफी भीड़ भाड़ वाली लग रही है मुझे। आपको दिखाते हैं भेंट द्वारका। भेंट द्वारका, भेंट द्वारका, भेंट द्वारका। ओके, भीड़ देखो यार, भीड़ कितनी ज्यादा है और थोड़ा सा डर लग रहा है। नाव इनको, इनको जरा नाव दिखाओ, नाव दिखाओ। नाव तो दिखा दी मैंने वैसे। देखो कितनी भरी हुई नाव है। हमको भी ऐसे ही जाना है, भेड़ बकरी की तरह। भेड़ बकरी की तरह सीजन नहीं होता है। हमेशा आपको यहाँ पर ज़्यादातर भीड़ मिलेगी, क्योंकि पूरी कंट्री से, कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं। और जो द्वारकाधीश है वहाँ पे भी आते हैं और भेंट द्वारका भी देख के आते हैं। द्वारका भी देख के। और समंदर का पानी देखो कितना नीला है। लेकिन अब उस टाइम में ये आनंद जो है खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो वहाँ पर एक पुल बना रहे हैं। गाड़ी आती सीधी वहीं भेंट द्वारका जाएगी। ये आ गए हम नाव में। नाव में, कश्ती में। कश्ती में। और कश्ती हमारी ऐसी है,
ब्रह्मांड में मैं जिस तरफ जाता हूँ उस तरफ गोल गोला घूम जाता है। डाल सकते हैं कैसे हिचकोले खा रही है यार। हिचकोले खोले डोले मेरा मन डोले मेरे दिल का गया करार दे कौन बजाए। श्री कृष्णा। तो दोस्तों ओखापोर से बेट द्वारका तक की जो जर्नी है वो नीले समुद्र से होते हुए जाती है और जो डिस्टेंस है वो है केवल 5 किलोमीटर। और इस यात्रा को आप नाव फेरी या फिर किश्ती में बैठकर इजीली कर सकते हैं। 5 किलोमीटर की ये जो नीले समुद्र की जर्नी है बहुत ही शानदार और मनमोहक है एंड आई एम श्योर आप इस कुदरत के अद्भुत नज़ारे को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे अगर आप द्वारका आते हैं। डीपी भाई मजा आ रहे हैं। एक नंबर यार समुद्र का पानी देखो कितना नीला है। नीला और हरा दोनों। नीला और हरा चश्मा पहन रखा है ना तो उससे और ज्यादा नीला हो गया लग रहा है मुझे। हरा है। कितना रह गया भाई कितना रह गया मंदिर के खुलने की जो टाइमिंग है वो है सुबह 8:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक और शाम के 5 बजे से लेकर 8:00 बजे तक। तो अगर आप मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं तो टाइमिंग का ज़रूर ध्यान रखें। 12:30 बजे से लेकर 5 बजे तक दोपहर के मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। क्या चीज़ है सर क्या चीज़ है? समुद्र की झाग। झाग समुद्र की झाग है। कहीं कान में दर्द हो घुटने में दर्द हो कमर में दर्द हो अच्छा तेल में मिला के और लगा लो। इतनी हार्ड कैसे हो गई? सूख गई है। कितने का है? 10 रुपया लेना। क्या करें पाउडर बनाए? पाउडर से भरा हुआ है। अच्छा एक चम्मच डाल के मालिश करें पाँव दुखता है अंटी नस पकड़ाई गई ढीली थी गई रेडी थी गई। तेल में गरम तेल में मालिश करो सरसों के तेल में। हाँ पॉलिश समुद्र का झाग। ये देखो यहाँ पर कितनी सारी दुकानें हैं मूर्तियों की है शंख की है फिर बैग्स है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और जो कृष्ण जी के कपड़े हैं वो भी मिलते हैं यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर अच्छा मेन गेट कौन सा है? ये मेन गेट यही वाला। तो जी ये है मेन गेट यहाँ का। हम जा रहे हैं आगे की तरफ।
तो पीछे आप देख सकते हैं बेट द्वारका मरीन पुलिस स्टेशन भी है साइड में ही, और ये हमने कर लिया प्रवेश मंदिर में। ये है मेरे ख्याल से मंदिर, और डीपी भाई भी आ गए। आओ जी, यहाँ पर सब कुछ जमा करना पड़ेगा, मोबाइल कैमरा और जो भी आपके पास चीज़ें हों, मतलब अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। अंदर जो फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी है वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी, तो अंदर की जो फ़ोटोज़ हैं वीडियोज़ हैं हम आपको दिखा नहीं सकते। बाकी बाहर के जो नज़ारे हैं बहुत ही खूबसूरत है यार। अभी हम वापसी जा रहे हैं अपने होटल रूम में, और फिर हम जाएंगे कौन सा बीच था, कौन सा बीच था वो, कौन सा बीच है भाई, है दादा कौन सा बीच था, कौन सा है, शिवराजपुर बीच। तो गाइस ये जो व्लॉग है एंड करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि यार ये जो व्लॉग है स्पेशली मैंने भेट द्वारका के लिए ही बनाया था। जो पिछला व्लॉग है वो आपने देख ही लिया होगा, जो द्वारकाधीश का था, आई होप आपको पसंद आया होगा। और ये वाला भी व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया हुआ है वो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला जो सफ़र है ना गुजरात सफ़रनामा का, वो और भी अल्टीमेट होने वाला है। बाकी हम अभी कर रहे हैं लंच, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी। वहाँ पर नज़ारे तो एक से बढ़कर एक थे, और जो सीगल्स थे ना यार, सीगल्स एक्चुअली कैमरा है ना वो जस्टिफाई नहीं कर सकता, उनकी आंखें तक भी हमें दिख रही थी। बिल्कुल। और जो नीला समंदर था, हवा आ रही थी समंदर से भाई, वो तो अल्टीमेट वाली फीलिंग थी। और जो हमने दर्शन किए, हालांकि जो अंदर के दर्शन हैं हम नहीं करा पाए, क्योंकि यार अंदर जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी है वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी। तो चलिए आज का व्लॉग हम करते हैं एंड, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, जय हिंद एंड सायोनारा। ये है द्वारकाधीश टेम्पल। जी हाँ, बहुत ही शानदार ये जो मंदिर है बनाया हुआ है। Dime lo que tú quieres de mi coqueta. Sé lo que te gusta es salir y se suelta. Pongo a bailar reggaeton pa' mí, que muñeca. Me gusta salir y se lo sigo.